On the 62nd day of being on the road with the pandemic, we are now in the city of Hyderabad, in its old city in the area of Shastripuram, where MIM leader Asaduddin Owaisi has just come to distribute food to those who are most impoverished auto drivers among them. आपसे शुरू में ये पूछती हूँ कि लॉकडाउन जो है, मुझे तो अब 10 प्रदेश में मैं घूम चुकी हूँ, मुझे लगता है ये गलती है, लेकिन यहाँ पर तेलंगाना गवर्नमेंट सीम्स टू बी इन सपोर्ट ऑफ इट. आपको क्या लगता है? बरखा, मैं तो इस पर एक आर्टिकल लिखा हूं और मैंने ये कहा है कि एक लॉकडाउन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनप्लान्ड है. इसका एपिडेमिक एक्ट और एनडीएमए को इस्तेमाल करके लॉकडाउन करना ये बिल्कुल गलत है. दिल्ली में बैठे हुए चंद लोग ये नहीं तय कर सकते कि हैदराबाद में कौन सा, पूरा हैदराबाद बंद होना चाहिए, कौन सा नहीं बंद होना चाहिए, और बिल्कुल गलत है ये. मैं इसके फेवर में नहीं था. हाँ, यकीनन सोशल डिस्टेंसिंग हो, थोड़ा बहुत कर्फ्यू हो, ये सब सही था, मगर गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं, कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई हेल्प नहीं, तो ये लॉकडाउन कैसा है? तो गरीब तो मर रहा है. कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि असद साहब या तो कोविड से मर जाएंगे, गरीबी से पहले मर जाएंगे हम. एक्चुअली मुझे बहुत लोग मिले असद भाई, माइग्रेंट वर्कर्स, बोल तो हाईवे आफ्टर हाईवे पे उन्होंने यही बोला कि हम वायरस से पहले गरीबी से मरेंगे. लेकिन आपने अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों बोला है? इसलिए कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन में आपने लॉकडाउन किया है? कहाँ है? एपिडेमिक एक्ट में कहाँ लिखा हुआ है? एनडीएमए एक्ट में कहाँ लिखा हुआ? एनडीएमए एक्ट में लिखा हुआ है कि आप कंसल्ट करेंगे, कोऑपरेट करेंगे, गवर्नमेंट को हेल्प करेंगे. और अफसोस की बात यह कि पूरे इंडिया में सब लोग उसको कबूल कर लिया, इवन अपोजिशन रूल स्टेट्स. ये तो गलत है, इसका प्रोविजन ही नहीं है कि कैसे आप तय करेंगे कि लॉकडाउन कर दो, पूरा बंद कर दो. ये फिर कोई दिल्ली में बैठ के बोलेगा कि नहीं, हैदराबाद खूब बंद रहेगा, अतराफ में खुला रहेगा, तो ये बिल्कुल ही, यानी कौन तय करेगा ये? उनको क्या मालूम हैदराबाद के बारे में? लेकिन आपने जिक्र किया कि नॉन बीजेपी स्टेट्स क्या कर रहे हैं, और मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि बहुत से जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर्स, दे आर इन फेवर ऑफ एन इवन हार्डर लॉकडाउन. अब आप तेलंगाना में देख लीजिए, आर यू इन अग्रीमेंट विद द स्टेट गवर्नमेंट? नहीं, यकीनन हम यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की अलाई हैं, तायिद कर रहे हैं, मगर मैं इस लॉकडाउन के फर्दर एक्सटेंशन के खिलाफ हूँ. यकीनन कर्फ्यू रखिए आप, रिलीजियस प्लेसेस को बंद रखना है, थोड़े दिन के लिए बंद रखिए, मॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, मगर दूसरा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होना चाहिए ना. कहाँ से ला के देंगे आप? इतनी गुर्बत है, इतनी भूख मैंने जिंदगी में अपनी पॉलिटिकल लाइफ में नहीं देखी है. मेरे को 25 साल हो गए पॉलिटिक्स में, मगर कभी इतना नहीं देखा मैं, जो लोग भूख के लिए, खाने के लिए, पैसों के लिए तड़प रहे हैं. और इससे बढ़कर यह है कि हेल्थ इमरजेंसी है, जो हैदराबाद में एक कमरा दो कमरे के डॉक्टर्स एमबीबीएस डॉक्टर खोल के चलाते थे, उसमें डायबिटिक हो, बच्चों का, पूरे बंद पड़े हुए हैं. इतना बड़ा, अच्छा पैसे नहीं है कि बड़े अस्पताल में जाकर इलाज कर सके, तो हर एतबार से गलत है. कि माने हैदराबाद में कहावत है कि दीवाने उठे सर को मुसल लपटे, माने एक्ट इन हेस्ट रिपेंट इन लेजर. आपने इमीडिएटली फैसला कर दिया और भुगतना गरीब को पड़ रहा है. ये आपने एक बहुत जरूरी बात की कि जो नॉन कोविड पुअर है, क्योंकि हमने बहुत शहरों में ये पाया कि जिसको किडनी डिजीज हो, डायबिटीज हो, कैंसर हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, आज उस गरीब आदमी के पास कहीं जाने की जगह नहीं है. बरखा, मैं आपको बता रहा हूँ कि डायलिसिस पेशेंट जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते थे, शुरू में इतनी तकलीफ हुई यहाँ पर, फिर हेल्थ मिनिस्टर से बात किया, फिर वो चालू किया गया. मगर अब दूसरे जो अस्पताल को जा रहे हैं वो डॉक्टर्स बोल रहे हैं यहाँ पर कोविड टेस्ट कराओ. और अनफॉर्चुनेटली है कि कई डायलिसिस पेशेंट्स को कोविड निकल रहा है. अब हमारे गांधी हॉस्पिटल में माशाल्लाह से हो रहा है, उनका इलाज भी हो रहा है, मगर ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. हेल्थ का तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, पैसे नहीं उनके पास, बड़े अस्पताल क्यों जाएंगे? जहां पर छोटे जगह काम होता था उनको आज बड़े अस्पताल में जाकर कैसे काम कराएंगे? अच्छा, आप ये बताइए असद भाई, दिस इज नॉट द टाइम फॉर हिंदू मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस फलाना ढमका, लेकिन इस समय भी हम देख रहे हैं दैट देयर इज बीन अ ग्रेटर स्क्रूटनी ऑन द मुस्लिम कम्युनिटी, और बहुत से स्टेट्स में ये भी हुआ है दैट द फियर ऑफ बैकलैश, और तरह तरह के डर है. इन मेनी मुस्लिम नेबरहुड्स लोग खुद वॉलंटियर करके इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, यहाँ पे क्या एक्सपीरियंस है? नहीं नहीं, यहाँ पर जब ये शुरू हुआ था, सबसे पहले वर्का तेलंगाना स्टेट में ही, दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट को बताया था कि जो तबलीगी जमात के इंडोनेशिया से लोग आए थे, करीम नगर उनका टेस्ट किया था, तो मालूम है कि इनको कोविड निकला. इमीडिएटली हम गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, यूनियन गवर्नमेंट को. वो लोग तो 8-10 दिन अपना वेस्ट किया उसमें.
उसके बाद सीएम और गवर्नमेंट हमको मुझे बोले और जितने कैसे ये टाइम कैसे वेस्ट हुआ अकॉर्डिंग टू जो इंडोनेशिया से जमात हैदराबाद आकर करीमनगर गई थी, यहाँ से 150-200 किलोमीटर पर है, उनका जो टेस्ट करवाया गया उनको मालूम है सबको कोविड निकला। इमीडिएटली उन्होंने कहा कि भाई ये बाहर से लोग आए हुए हैं, इनको कोविड निकला है। खैर वो सोते रहे वहां पर, मगर उसके बाद चीफ मिनिस्टर और ने खास तौर से मुझसे कहा कि असद भाई जितने लोग हैदराबाद तेलंगाना तबलीगी जमात के मरकज गए थे उनके सबको आप टेस्ट करवाना लाना। तो तबलीगी जमात वाले विद इन 12 आवर्स मुझे 650 की नामों की लिस्ट दी है, गवर्नमेंट भी दी थी। खैर उसमें से जो भी थे 500 के करीब लोगों को लेकर गए, उनको टेस्ट करवाया, उनको क्वारंटीन हुआ, बहुत से लोगों को पॉजिटिव निकला, लेडीज को बच्चों के साथ उनको 2-2 हफ्ते क्वारंटाइन किए। तो यहाँ तेलंगाना गवर्नमेंट का तो शुक्र गुजार हूँ कि लोग पूरा कोऑपरेट किए, हम भी डे वन से कोऑपरेट कर रहे हैं। सो हाउ डू यू सी दिस ओवरऑल सिचुएशन, ये जो एक फोकस रहा है तबलीगी जमात पर, आप कम से कम ये मानने के लिए तैयार हैं कि दिल्ली में जो हुआ वो गलत हुआ? क्योंकि केटी रामाराव ने मुझे कहा कि 50% ऑफ हैदराबाद केसेस वर ट्रेस्ड बैक टू तबलीगी जमात। नहीं, तबलीगी जमात को इसका जिम्मेदार खड़ा करना बिल्कुल गलत बात है। बरखा सबसे पहले केरल में 3 लोग आए थे जनवरी में, उसके बाद इटालियन टूरिस्ट थे, और फिर ऐसे कई रिलीजियस प्लेसेस पर वैष्णो देवी में लोग फंस गए, तो वहां उनको फंस गए कहा गया, यहाँ पर उनका जा रहा है कि आप लोग फैला दिए। नांदेड़ महाराष्ट्र में भी हमारे सिख भाई थे, वो भी हुआ है। यकीनन अगर आप बोलेंगे भाई मैं आपके घर को आया था, आपकी अखलाकी जिम्मेदारी थी, मैं मानता हूँ, मगर ये बोलना है कि मुसलमान और इस्लाम तबलीगी जमात फैला बिल्कुल गलत है। तो फिर आपने पार्लियामेंट को एडजर्न नहीं किया, आपने मध्य प्रदेश में क्राइसिस को गवर्नमेंट बनाने के लिए वहां पर पूरी भीड़ जमा की, नमस्ते ट्रंप हुआ, तो फिर ये क्या है? फिर तो ये गलत बात है कि सिर्फ इसी पर बोझ डाल देना, इन्होंने किया, ये बिल्कुल गलत है। अब उनके डॉक्यूमेंट्स भी हैं, वो लोग पुलिस को मिले हैं, बता रहे हैं कि भाई हमने लिख के दिया था, आप परमिशन दीजिए, हम भिजाने तैयार है, लॉकडाउन हो गया उसके बाद। पर आपको लगता है कि इससे मतलब कई ऐसे हमारे प्रोमिनेंट मुस्लिम वॉइसेस भी हैं, उन्होंने भी तबलीगी जमात की काफी निंदा की? अब नहीं, ये देखिए तबलीगी जमात की निंदा करना बहुत आसान है। अब जब वो उनके चीफ मौलाना साद का वॉइस के सैंपल इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट आई, अब जब उसके बाद सब बोले अरे भाई तो गलत हुआ, ये तो हमने गलत कहा था, वो रिट्रैक्ट भी कर रहे। अरे ये अजीब और गरीब माहौल है बरखा। देखिए जर्नलिस्ट काम कर रहा है तो एक 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 आदमी है जो उस पर पूरा नूर नजर है, एक जर्नलिस्ट इंडियन एक्सप्रेस का है, उसको पुलिस बुलाती है कोई पूछने वाला नहीं है उसको, क्योंकि उसने कहा कि भाई उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग के उसमें वो सही नहीं आ रही आवाज और बिल्कुल उसमें फर्स्ट है। तो ये तमाशा हो रहा है। आखिर में आप क्या समझते हैं कि हमारी जो राजनीति, हमारा देश तो बदलने वाला है, कोरोना वायरस ये साल कैसे गुजरेगा किसको नहीं जानता, हमारी राजनीति कैसे बदलेगी? बरखा मुझे लगता है कि इस मुल्क को दोबारा एक नेहरू जैसे एक विजनरी लीडर की जरूरत है जो इस मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करेगा। यू आर कोटिंग नेहरू एंड आई नो हाउ मच यू डिसलाइक द कांग्रेस। यस आई डिसलाइक द कांग्रेस, बट द रोल ऑफ नेहरू इन प्रिवेलिंग एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी आई कैनॉट डिनाई दैट। आई एम अगेंस्ट कांग्रेस ट्रू, बट अब तो मुल्क को बनाना है। जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, लोग बाहर निकलेंगे, तो यकीन मानिए जब उनको अंदाजा होगा कि पूरा बर्बाद हो चुका है, कुछ बाकी नहीं रहा है, मुल्क को दोबारा बनाना पड़ेगा। ये 4 बजे के अनाउंसमेंट, 8 बजे के अनाउंसमेंट, दिया जला इससे होने वाला नहीं है। अब मुल्क को रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, दोबारा बनाना पड़ेगा, उसके लिए एक बहुत बड़े विजन की जरूरत है। और इसमें अगर आप लोगों को तोड़ेंगे मजहब के नाम पर, जात के नाम पर, गरीबी के नाम पर, अरे भैया आप इतने 122 लोग कल यूपी में एक्सीडेंट में मर गए, इनकी कीमत नहीं है क्या जान की? लोगों की ट्रेन पटरियों में सो रहे हैं, ट्रेन चली जाती है, कौन है वो लोग? 8 के 8 गोन ट्राइबल है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस मुल्क को दोबारा तामीर करना पड़ेगा, रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, उसके लिए बहुत बड़े दिल की और विजन की जरूरत। मोदी जी अगर आपसे मशवरा मांगे आखिर में, तो आप उनको क्या एडवाइस देंगे? नहीं, मेरी आप मेरे दुश्मन है। नहीं, मैं सच में पूछ रही हूँ, क्योंकि ये राजनीति का वक्त नहीं है। हर कोई, मैं भी देती हूँ मोदी जी को मशवरा, चाहे वो सुने या नहीं। मैं पहले तो मुझे यकीन है कि मुझ जैसे अदना से मशवरा नहीं लेंगे। उनके पास बहुत बड़े अनमोल हीरे हैं जो आज इस मुल्क को इस नौ चौखट पलाकर छोड़ दिए हैं। मगर मैं इतना ही कहूंगा कि इस मुल्क को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। ये कोविड क्राइसिस एक मौका है, हर चीज को सही तरीके से बनाने की जरूरत है, यही हम मशवरा दे सकते हैं। मगर ये कब होगा? जब आप लोगों को साथ लेकर चलेंगे। अगर आप जो आपके खिलाफ है तो ठीक है, खिलाफ रहने दीजिए,
मगर नहीं वो एंटी नेशनल है, वो हमारी लाइन फॉलो नहीं करता, वो गंदा है, वो फुला है, तो ये तो नहीं चलेगा। असद उवैसी बहुत बहुत शुक्रिया। असदुद्दीन उवैसी कॉलिंग नॉट जस्ट फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इकोनॉमी बट फॉर अ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इंडियन नेशन हियर इन हैदराबाद ऑन डे 62 ऑफ रिपोर्टिंग ऑन द रोड।